सुप्रीम कोर्ट ने 2024 दिया आम चुनाव तो पहला चुनावी बॉन्ड की वैधता दे उपर अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्डा नू गैर संविधानिक करार देंदे हुए इस उपर पूर्ण पाबंदी लगा दी है। परंतु तुहानू ए भी जानना अहम है कि आखिर की है चुनावी बॉन्ड, देश विच चुनावी बॉन्ड कदों अते क्यों लागू किए गए सी, कि इस विच पैसा निवेश करन ते रिटर्न मिलता है। चुनावी बॉन्ड दे नाल जुड़े कई सवाल आम लोगों दे विच हन, ता आओ जानदे हां उन्हां दे जवाब। सब तो पहला सवाल है कि आखिर चुनावी बॉन्ड की है। चुनावी बॉन्ड एक किस्म दा वादा पत्र यानी कि प्रोमिसरी नोट है। इसनू कोई भी भारतीय नागरिक जा कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दियां चुनियां होईयां शाखावां तों खरीद सकदा है। ए बॉन्ड नागरिकां जा फिर कारपोरेट कंपनियां दे लई अपनी पसंद दी किसे भी सियासी पार्टी नू दान करन दा साधन है। अते इस तों इलावा दस दिए कि चुनावी बॉन्ड आखिर कदों पेश कीते गए सी, तां इसदा जवाब ए है कि चुनावी बॉन्ड नू वित्ती बिल 2017 दे नाल पेश कीता गया सी। 29 जनवरी 2018 नूं नरेंद्र मोदी दी अगवाई वाली NDA सरकार ने चुनावी बॉन्ड स्कीम 2018 नूं नोटिफाई कीता सी अते उसे दिन तों इस दी शुरुआत होई सी। अते हुण तुहानूं इह वी दस दिंदे हां कि आखिर कदों मुहैया हुंदे हन चुनावी बॉन्ड। दस दिए कि चुनावी बॉन्ड सरकार द्वारा हर तिमाही की शुरुआत विच 10 दिनों की म्याद लई विक्री दे लई उपलब्ध करवाए जाते रहे ने। इस दौरान उन्हां दी खरीदारी की जाती सी। सरकार वल्लों चोण बॉन्ड खरीदण दे लई जनवरी अप्रैल जुलाई अते अक्तूबर दे पहले 10 दिन तय किए गए सी। सरकार वल्लों लोक सभा चोणां दे साल विच 30 दिनों का वाधू समा तय करन दी योजना सी। परंतु की सी चुनावी बॉन्ड का असल मकसद, यह भी तुहानू पता होना जरूरी है। दस दिए कि चुनावी बॉन्ड पेश करते समय सरकार ने दावा किया सी कि इस नाल सियासी फंडिंग के मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी। इस बॉन्ड की राही अपनी पसंद की पार्टी नू दान दिता जा सकता है। दस दिए कि सियासी पार्टियां नू चोन बॉन्डा तो की फायदा है, ये भी तुसी जान लो कि कोई भी भारतीय नागरिक कारपोरेट अते होर अदारे चोन बॉन्ड खरीद सकते हैं अते राजनीतिक पार्टियां बैंकां दे विच इन्हां बॉन्डां नूं नकद करके पैसा प्राप्त कर सकदियां ने। बैंक सिर्फ उन्हां ग्राहकां नूं चोन बॉन्ड खरीदे जां फिर बेचदे ने जिन्हां दे KYC दी पुष्टि कीती हुंदी सी। बॉन्ड दे उपर चंदा देण वाले दा नाम दा जिक्र तक नहीं सी हुंदा। की इलैक्ट्रोल बॉन्ड विच निवेश करन दे उपर कोई रिटर्न मिलदा है, तां ओह वी तुहानूं दस दईए कि चोन बॉन्ड दे विच निवेश करन वाले निवेशकां नूं अधिकारित तौर दे उपर कोई रिटर्न नहीं मिलदा। यह बॉन्ड रसीद दे समान ही हुंदा है। यह बॉन्ड उस पार्टी दे नाम दे उपर खरीदा जांदा सी जिस नूं तुसीं दान देना चाहुंदे हो, अते संबंधित सियासी पार्टी नूं पैसे मुहैया करवाए जांदे सन। राजनीतिक पार्टियां नूं सीधे तौर दे उपर दान देने की बजाय चोन बॉन्ड्स दे द्वारा दान करके दान की गई रकम दे उपर आमदन कर दी धारा 80GGC अते 80GGB दे तहत छूट देने का प्रबंध है। परंतु हुण वड्डी गल इह है कि सुप्रीम कोर्ट की इस दे उपर जदों नज़र पैंदी है तां सुप्रीम कोर्ट की नज़र पैण तो बाद चुनावी बॉन्ड नूं सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों गैर संविधानिक करार दे दिता गया है। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ TV।